नमस्कार, आप देख रहे हैं Lallantop.com और Lallantop चुनाव यात्रा लेकर टीम हीरा फिलहाल वल्लभनगर के भिंडर कस्बे में है और फिलहाल इस जगह जिस जगह पे हम बैठे हैं उसे हम कहते हैं भिंडर परिवार का राजमहल। मेरे साथ रणधीर सिंह भिंडर जी हैं, उनके पूर्वजों ने यहाँ पे शासन किया है और अब वो राजनीति में हैं। पहले बीजेपी से जुड़े रहे हैं और फिलहाल इनकी अपनी पार्टी है जनता सेना, जो पिछले चुनाव में भी लड़ी थी और इस चुनाव में भी आपने आपके कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सबसे चूँकि आपने राजनीति में पहले बीजेपी का साथ आपको रहा है, क्या ऐसी वजह रही, आपको क्या एक चीज़ आपको बीजेपी में लैकिंग लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे अपना एक पॉलिटिकल फ्रंट ज़रूरी है अलग खड़ा करना? नहीं, बेसिकली बीजेपी से मैं कोई अलग नहीं हूँ, बीजेपी की विचारधारा ही मेरे कार्यकर्ताओं की विचारधारा है। केवल एक व्यक्ति के कारण हम लोग बीजेपी से अलग हुए, जो हमारे गृह मंत्री हैं कटारिया जी, और उनकी नाराज़गी और मुझे पता नहीं क्या नाराज़गी, लेकिन उनकी नाराज़गी के कारण मुझे पिछली बार टिकट नहीं मिला। उसके पूर्व में जो टिकट मिला था 2008 में, उसमें भी उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कांग्रेस में वोट दो, रणधीर सिंह को वोट मत दो। तो इस नाराज़गी के कारण हम लोग निकले और फिर उसके बाद में हमने पहले निर्दलीय के रूप में मैंने पिछला चुनाव लड़ा और अब की बार हमने पार्टी बनाई है और पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपने अपनी ओर से कहा कि बीजेपी की विचारधारा और आपकी विचारधारा में फ़र्क नहीं है, फ़र्क विचारधारा का अगर कहीं है तो वो कटारिया जी के साथ है, तो क्या आपकी तरफ से वो रिकन्सिलेशन की कोशिशें रहीं जो कामयाब नहीं हो पाई, और क्या उसकी वजह रही कि डिफरेंसेस दूर नहीं हुए कभी? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी को जिन लोगों ने खड़ा किया, जैसे उदयपुर में भी है, उदयपुर संभाग में जिन जिन लोगों ने बीजेपी को खड़ा किया, जिनको अपन नींव का पत्थर कहते हैं, उन लोगों को दरकिनार करके इन्होंने अपने गुरखों को फिट कर दिया। और मेवाड़ संभाग में बीजेपी जो है वो एक तरह से कमल कांग्रेस है, जब उनकी ज़रूरत होती है तब कांग्रेस को मदद कर देते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है तो कांग्रेस इनको मदद कर देती, और बिल्कुल हिलमिल के काम चल रहा है इन दोनों का। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में मेरे और मेरे वर्कर्स और उदयपुर के काफ़ी लोग जो बीजेपी के हैं वो सब उसमें अपने आप को फिट नहीं पा रहे हैं और वो अलग हो गए। सर, आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की मदद शिफ्ट होती रहती है मौका देख के, लेकिन हमें बताया गया है कि आपको कभी एक मदद कभी शिफ्ट नहीं होती है, वो है वसुंधरा राजे की मदद। उनका काफ़ी आपके साथ नज़दीकी है ऐसा कहा जाता है, वो आपके मंच पर भी आई थी। और एक बात और जो हमने सुनी है वो ये है कि जनता सेना की जो टिकट्स हैं उसमें उनके बंटने में वसुंधरा राजे का बड़ा दखल है, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, वसुंधरा राजे कभी नहीं चाहती कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी खड़ा दल खड़ा हो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको मेवाड़ संभाग में अपने प्रत्याशी उतारने पड़े, क्योंकि ये जो नाराज़ लोग हैं ये कांग्रेस में जाना नहीं चाहते और बीजेपी में वोट देना नहीं चाहते, तो उनके लिए हमने एक चैनल दिया अलग से। और वसुंधरा राजे की इसमें न तो उनको जानकारी है न उनसे हमने ये परमिशन लिए कि हम खड़ा करें या नहीं करें, क्योंकि अब तो अलग दल हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि दलपत सुराणा सिर्फ इसलिए खड़े किए गए हैं उदयपुर से ताकि जो गुलाबचंद कटारिया की लीड है वो कट जाए किसी तरह से, और अगर नौबत पहुंचे वहां तक कि वो चुनाव हार जाएं। चुनाव तो हरवाना ही है उनको, इसीलिए तो उनको खड़े किए हैं हमने। पर हम लोग जिन कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं वो कैंडिडेट्स जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं। दलपत सुराणा गुलाब जी से भी पुराने कैंडिडेट हैं और उनकी भी पार्टी पे उतनी पकड़ है जितनी उनकी है, और गुलाब जी के साथ तो आजकल के उनके जो नए कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं वो लोग हैं, जबकि पुराने जो नींव के पत्थर जो कार्यकर्ता हैं वो सब दलपत सुराणा के साथ हैं। सर, और यहाँ से जो बीजेपी कैंडिडेट हैं मिस्टर दांगी, उनके बारे में ये सब जानते हैं कि वो पहले उनकी नज़दीकी पहले आपसे रही है, ठीक है, और अब वो आपके खिलाफ खड़े हैं, इस बात को लेकर के मतलब आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, उससे मेरी कभी नज़दीकी नहीं रही, वो मेरे वर्कर ज़रूर थे, हमने उनको पंचायत समिति का एक चुनाव भी लड़वाया था, लेकिन जो आदमी इधर उधर जाता रहता है उससे क्या नज़दीकियाँ हो सकती है। लेकिन वो जो बातें चलती हैं कि उन्होंने जनता सेना खड़ी करने में अपना पैसा लगाया, एक भी पैसा कहीं लगाया हो तो किसी कार्यकर्ता से कहला दे कि वहाँ पर उन्होंने पैसा लगाया। जनता सेना किसी भी व्यक्ति के पैसों से नहीं चलती है, जनता सेना कार्यकर्ता खुद खड़ी करते हैं, कोई पैसा कहीं पे हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे वर्कर्स बिल्कुल बगैर पैसा लिए काम कर रहे हैं, इसमें बनाने में या किसी चीज़ में उनका पैसा, ये कोई हम कोई भू माफियाओं को ला करके हमारे को फंडिंग के लिए हमने नहीं पाल रखे हैं, हमारे कार्यकर्ता खुद पैसे खर्च करते हैं
खुद लड़ते हैं। कितने कैंडिडेट्स के जीतने की उम्मीद कर रहे हैं सर आप इन चुनावों में, जितने आपने खड़े किए उनमें से? नहीं, हमने 9 कैंडिडेट्स अभी खड़े किए हैं और 9 की उम्मीद है हमको कि उनमें से काफ़ी जीतेंगे। और अगर ये जीत जाते हैं, और वैसे तो राजस्थान स्विंग स्टेट है लेकिन फिर भी राजनीति में संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जाना चाहिए, और बीजेपी सत्ता में लौटती है तो क्या आप सरकार के साथ रहना पसंद करेंगे, या अगर बीजेपी विपक्ष में बैठती है तो क्या आप विपक्ष में उनके साथ बैठेंगे? देखिए, ये भविष्य की गर्त में अभी लिपटा हुआ है, उसको हम लोग हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में जवाब नहीं देता। और क्योंकि आपने एक हाइपोथेसिस तो मेरी डिसबैंड कर दी, लेकिन ये बात अभी मतलब अपनी जगह पे कायम है कि बीजेपी फिलहाल कुछ दिनों तक गुलाबचंद कटारिया और बीजेपी अलग अलग नहीं रहने वाले हैं, तो जो आपकी आप ये कहिए कि अच्छी फीलिंग्स हैं बीजेपी के लिए, वो क्या बनी रहने वाली हैं या वो समय के साथ कम भी हो सकती हैं कटारिया जी की वजह से? कटारिया जी को मुबारक हो उनकी पार्टी, हमारी तो पार्टी अलग है और हम अलग पार्टी के रूप में चल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे वर्कर्स हैं और हम सक्षम है काम कराने के लिए, इसलिए किसी पार्टी की सहायता की ज़रूरत नहीं हमको। अपनी पार्टी के लिए और इस इलाके के लिए आपके आगे के क्या प्लान्स हैं सर? क्योंकि एक चीज़ ये इस बात पे बड़ा जोर दिया जा रहा है कि ये इलेक्शन अगर आपके लिए अच्छा नहीं रहता है तो आपकी पार्टी का भविष्य बड़ा अंधकारमय हो सकता है, तो आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, पार्टी का भविष्य जो है हार जीत तय नहीं करती, पार्टी का भविष्य तय करते हैं कार्यकर्ता और वर्किंग स्ट्रेटजी। मैं भी 3 बार हारा हूँ, 2 बार ही जीता हूँ, तो हारने के बाद भी लोगों की सेवा की, हम सेवा करने के लिए निकले हैं, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लगातार सेवा करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। हम इसी तरह के और दिलचस्प इंटरव्यूज़ और करने वाले हैं, अगर उन सबको आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको यूट्यूब एक मुफीद प्लेटफॉर्म लगता है वीडियो देखने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वह हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू।